हम लोग जब भी नज़र उठाकर आसमान को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, और जब भी उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं तो खुद भी उनकी तरह आसमान में उड़ने का मन करता है। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि हम तो उससे भी कहीं ऊपर अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। अंतरिक्ष को पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि हम कोई कैनवास देख रहे हों जिसमें कहीं पर तारे हैं और कहीं पर सूरज और कहीं पर चांद की प्रतिमा उकेर दी गई हो। यह अनंत तक फैला अंतरिक्ष सदैव शांत दिखाई देता है, परंतु इसमें सदैव कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। इस रहस्य से भरे अंतरिक्ष में बहुत सी गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी गैस, डस्ट और अरबों तारों से मिलकर बनी है, लेकिन रात में दूध की तरह सफ़ेद जो गैलेक्सी हमें नज़र आती है उसे देखकर ऐसा लगता है किसी ने दूध से अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता ही बना दिया हो। तभी तो इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसे आप अपनी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिन्हें हम रात में निहारते हैं। इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें सूरज और हमारी पृथ्वी मौजूद है। अगर अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो इसके केंद्र में सूर्य है जो कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसके चारों तरफ ग्रह यानी 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। इस सोलर सिस्टम की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। तो चलिए जानते हैं सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में। मरकरी यानी बुध ग्रह, यह ग्रह सूर्य के सबसे पास होता है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध ग्रह पर कोई भी वातावरण नहीं होता है। यह सूर्य की किरणों को रोक नहीं पाता है, इसीलिए दिन में यहाँ अत्यधिक गर्म और रात में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वीनस यानी शुक्र ग्रह, यह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि इसका वातावरण काफ़ी घना होता है। इससे गर्मी बाहर नहीं आ पाती है। यह अपनी गर्मी से इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि शायद यह लोहा को भी पिघला सकता है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है। इस दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मार्स यानी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। आकार में यह बुध ग्रह के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह या रेड प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल रंग की होती है। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, यह ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस का पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। सैटर्न यानी शनि, यह सूर्य से छठा ग्रह है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा एक गैसीय ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं जो बर्फ और मिट्टी से बने होते हैं। यूरेनस यानी अरुण ग्रह, यह ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसके 27 उपग्रह हैं। यह ग्रह अपने अक्ष पर रुका हुआ है जिससे ये लेटा हुआ दिखाई देता है।
मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। नेपट्यून यानी वरुण ग्रह। वरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से आठवां ग्रह माना जाता है। वरुण सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। प्लूटो साल 2006 से पहले तक सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, जिनमें से 9th प्लैनेट प्लूटो था, जिसकी खोज 1930 में की गई। ईयर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट न मानते हुए एक डार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह माना। डार्फ प्लैनेट भी हमारे सोलर सिस्टम के अभिन्न अंग हैं। कुछ प्रमुख डार्फ प्लैनेट हैं प्लूटो, सिरस, एरिस, मैकमैक, हॉमिया। अंत में सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट सूर्य यानी सन। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों ओर अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है जो मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना है। इन गैसों के लगातार जलने से लाइट और हीट बनती है। यही लाइट और हीट पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के लाइट और हीट के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी सौरमंडल के ग्रहों व सूर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम सभी ग्रहों के अलग से और विस्तार से कवर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और देखते रहिए अद्वैक्स हब।